जिसके किस्मत में जो भी लिखा न डरे, भाग का फैसला बस खुदा ही करे। बाबा लिखने वाले ने क्या लिख दिया दोस्तों, रोट किस्मत की कोई जुदा न करे। भैया हो बाबू, भाग से पहले नसीब से ज्यादा न केहू की कुछ मिलल न मिली। ए बदे कभी जी, बहुत बढ़िया लाइन का संकेत देलना। का संकेत देलना मास्टर? हमरे उस्ताद आप श्री नंदलाल रवि महुआ चैनल में एक गीत के गौला अब बहुत प्यार से लोग अपनौले। का गौला? किसी से कह अरे दरवाजे, अरे शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में बढ़िया लाइन। भैया हो बाबू, यहू से बेजोड़ लाइन दूसर की का गौला? फूलों सी बदन इनकी, जिया बहादुर। फूलों सी बदन इनकी, रसगुल्ला जुबानों पे बाबू, एक रुपया की कलम होती है कवि की, और किसी की जिंदगी और मौत का पैगाम लिखते हैं बाबा। लेकिन बिरहा की लाइन पर भाव लगल भैया हो बाबू, कितना बढ़िया भाव लिखल कवि जी। का लिखल बहादुर? कि फूल उन पर सदा चढ़ता, कि फूल उन पर सदा चढ़ता, जो आदमी को प्यारा है। सबको प्रभु ने सवारा है। भैया हो बाबू, सबके किस्मत का लेखा वो मालिक रखता है। आखिरकार चाहे देव रूप में, चाहे देवी रूप में, चाहे किसी भी रूप में मान ले, सबका मालिक एक हुआ करता है। ए लिए कहनाम है बिरहा की स्टोरी में शुरुआत लगल हो। भैया बिरहा का स्टोरी हाओ कहाँ का? ला 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 लार 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 ललरिया लार, ला 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 लार 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 ललरिया लार,
नर 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 नरिया नारे। लेकिन बात कहां कबा, साधो संतोष व गुजरात के निवासी थे, साधो संतोष व गुजरात के निवासी थे, माता बीमार पड़ी पिता स्वर्गवासी थे। भैया हो बाबू, एक गुजरात प्रांत में एक छोटा सा परिवार रहने वाला, बाबू रिक्शा चालक हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, न समय से खाना खा पावे न पानी पी पावे। अचानक बाबू बीमार पड़े, लाख कोशिश के बाद बाबू हमेशा बदेव परिवार का साथ छोड़ दिए। माई आखिरकार वो परिवार का परवरिश करे में समय से न खाना खा पावन न पानी पी पावन, कुटौनी पिसौनी कह के बच्चन का पालन पोषण करत है मतारी। समय धीरे धीरे बीतत था, लेकिन माइयो आखिर बीमारी के दहलीज पर कदम रख देती है। माँ बीमार पड़ गई, जब माई बीमार पड़ल हो भैया तब अपने बचौवा के बोलौलस, आ बड़का लैकवा जब पास में आयल तब माई रोवे लगल। माई जब रोवे लगल त लैका हो भैया बड़ा सा बेटा साधो भी रो रहा है। साधो क्यों रो रहा है, आखिरकार कहानी में ही शुरुआत है। भुला कर माँ कही मुन्ना तेरे हवाले है, भुला कर माँ कही मुन्ना तेरे हवाले है, मेरा भरोसा नहीं रूठे मुरली वाले है। माई जब इतनी बतिया कलश की मुन्ना अब लगत कि जिंदगी के साथ छूट जाइए। अरे मुन्ना माई ना तो के अपने जिंदगी से अलविदा न कर। माई बाबू मर गई ला, आपो चल जबू जिंदगी का सहारा टूट जाए। माई रोवत है ना मुन्ना ना, अब मुझे जाने का वक्त आ गया है, मेरे जाने का वक्त आ गया है मुन्ना। कलश की ना माई छोटका पास में बैठ करके माँ के पास रो रहा है। छोटा कहता है भैया जल्दी गर माई के दवाई लिया। दौड़ कर साधो सोचा बचा लू अपने मैया को, असोदा भाग रही छोड़ के कन्हैया को। भाग करके डॉक्टर के पास गया, मेडिकल वाले के पास जा करके बोला भैया हमके दवाई दे दा। माई बहुत जोर से बीमारी है, लगत मतारी हमर मर जाई। डॉक्टर बाबू दवाई निकलना, कुछ टैबलेट निकाला, कुछ शक्ति वर्धक टॉनिक निकाला, बोला हाई ले जा अपने माई के दवाइया खिया के हाई टनिकिया पिया दिया, माई बढ़िया हो जाई। आखिरकार मुन्ना न सोचे लगल, ए डॉक्टर बाबू हमारे पास पैसा ना है। आखिरकार वो डॉक्टर दवा उठा करके अपने यहाँ रखने लगा। जब रखने लगा तब ही रेकवा पर टेबलवा पर रखल है दवाइया, टेबलवा पर रखल है शक्ति वर्धक टॉनिक। और जब समझ गया बालक की दवा मुझे नहीं मिलेगा, माँ बीमार है, माँ को दवा की जरूरत है, तो टॉनिक लेके वहां से भागने लगा। जब भागे लगल हो भैया यार माई का याद करत था कि माई के ले जाके दवाइया पिया दे, माई बढ़िया हो जाए। ओहर छोटका भयवा जब मतारी जोहत बन कि अब आई माई बार बार पूछे थे कि भैया ए संतोष आखिरकार साधो गयल तब ही आयल काहे ना। माई रोवत है, माई परेशान है। छोटका यह समझाओ था कि माई भैया गल दवाइया बस लेके अवते हुई, यार तो दवाइया लेके आखिरकार समझ गल कि पैसा ना है तो लेके भागे लगल। यार मेडिकल वाला चोर चोर कह के खेदे लगल, लैका आगे भागत है, पीछे ताकत है आगे भागत है। पीछे तमाम लोग बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़का भाग रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, लेकिन कैसे भाग रहा है तर्ज लगल। यहाँ कोनो गांव में जोगी सन्यासी चल जाए तो माई बहिन पूछे नहीं, ए जोगी काहे बदे ऐसन भेष धैला। वो जोगी बतावल कि माई काहे बदे हम धैली ऐसन भेष। आखिरकार माई सवाल करेली, कैसे सवाल करेली कि कवने करनवा हो जोगी, अरे कवने करनवा हो जोगी, जोगा वह रम्मा वाला, अरे जोगा वह रम्मा वाला, कवने करनवा भिखिया मांगला।
हो बाबू, लड़का दवाइया लेके भागत था, आखिरकार आगे भागत था पीछे ताका था, लेके दवाइया जब की, अरे लेके दवाइया जब की भागल बासु गानावा, अरे भागल बासु गानावा, पैर में ठोकरवा इकट्ठे लागल हो ही में लैकवा के हाथवा से सिसिया हो भैया दवाइया वाली छुट गई। आज वही सिसिया निचवा गिरल पत्थरवा पर कई खंडा टूट गई। बच्चा न उसी समय उसके पैर में ठोकर लगा लुढ़क गया, संभलना चाहता है, संभलते संभलते वो बच्चा उसी शीशे के टुकड़े पर जा गिर पड़ा। अजब गिरा है मुहे के बगल गिरल हो भैया, अजब मुहवा के बगल गिरल तो हाई देखा भैल का कि अखिया में धासी गईला, अरे अखिया में धासी गईला सिसिया के टुकड़ावा, अरे सिसिया के टुकड़ावा, खूनवा में ललना तब गोता साधो के मुंह से हाय माई कह के नौजवान के मुंह से आह आ गई। जितने लोग उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग तो वहां से निकल पड़े, लेकिन कुछ लोग मिलजुल कर उस बच्चे को ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी। सोचा यह संजोग होला, माई दवाई के अभाव में मरल चाथिया, यहर दवाई ले जात बच्चा फिर भी अचानक भैया हो गिर जाता है, घायल हो जाता है, उसे ले जा करके लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उपचार शुरू हुआ, कुछ देर के बाद डॉक्टर बोला कि इसके दोनों आंख की रोशनी खत्म हो। जब इतनी बात होश में आया साधो तो सोच रहे बारे हमर नसीब, बाबू भी साथ छोड़ देना और मेरा नैन भी दोनों साथ छोड़ दिया, अब तो लगत कि मैयो साथ छोड़ दे, अब लगत है मैयो साथ छोड़ दे। बा यही कह जल हो भैया किस्मत, आखिरकार साधो यह कहा था ए भैया जे भी हमार सहयोग करल चाहत ना, बस और कुछ सहयोग मत करा, हमके हमरे माई से मिला दा। यहर आखिरकार साधो का छोटा भाई संतोष इंतजार कर रहा है, माँ बार बार पूछ रही है मुन्ना भैया ना लबही दवाइया लेके, संतोष समझाता है माँ बस भैया दवाइया लेके आवत रे माई, दवाइया लेके आवत हुई। आज वही नौजवान कुछ लोगों के साथ में भीड़ चिढ़ते हुए माँ के पास पहुंचा तो देखा कि माँ दुनिया छोड़ चली, माँ दुनिया छोड़ चली हो भैया। कैसहूं उठा के नौजवान आया, अजब छोटका भयवा बड़का भयवा के दखलस, एक बार बोल पड़ा भैया, अरे भैया दवैया लिया में देर का देला, माई जोहत जोहत तो के दम तोड़ देलस। आखिरकार मुंह से न आवाज आती है न आंख से आंसू गिरते हैं, आंख पर पट्टी बदल गांव के लोग सब ही देखत कि अरे ई का होगल, गांव पुर के लोग उठा उठा के माई के ले जा के दाह संस्कार कैल, कैसहू दिन रखागल तेरे ही बीत गईल, आ गौमा के लोग ई कहला कि अरे पगला तो के कोनो प्रकार का कमी ना होके दहल जाई। दोनों बच्चन का भार बोझ पूरा गांव के लोग लेहल, एक एक दिन सब ही खियाई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीतने के बाद अब धीरे धीरे गौमा के लोग ओ भैया मुकरे लगला, मुंह फेरे लगला, हित मीत संगी साथी सब उहे नतीजा पर आ गया। अब के सहारा बा के दुनिया में, आखिरकार अंधा समझ गया, माई कह के गईल कि मुन्ना माई चाहे बाप चाहे भाई चाहे भौजाई भगवान सब कुछ तू ही हवा, अरे मुन्ना कोनो परवरिश में कमी मत दिहा, ए बदे कि तुहरे हवाले छोड़ के जाते ही। छोटे भाई के सर पे हाथ रख करके बड़ा भाई कहता है मुन्ना अरे पगला कोनो प्रकार का तकलीफ ना होके दे। बाजारे गईल एक ठे खोरा खरीदल, खोरा खरीद करके माई का सोटवा लेल, डंडा हाथ में लिया बाजार में गया, भैया आठ ना एक रुपया दो रुपया हमके दे दा,
आखिरकार भैया हो बाबू भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते आखिरकार अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके अच्छी सा सर्विस दिलवा दिया, नौकरी पा गया। छोटा भाई नौकरी पा गया, अब तिलकहरू दुआरे आवे लगना। छोटे भाई की शादी कर दिया, छोटे भाई की शादी कर दिया। आखिरकार जब दुल्हन बन के आई है छोटे के पास, तो आखिरकार छोटकी कपान थे लड़की भैली। धीरे धीरे समय बीतत देरी न लगल, अब परिवार में खुशी कलहर दौड़ गई। छोटा भाई कहता है भैया बड़ा मेहनत कैला, सर्विस धरा देला, नौकरी धरा देला, अब कोनो प्रकार का कमी ना, भीख मांगल बंद कर दिया। बड़ा भाई भीख मांगना बंद कर दिया। समय धीरे धीरे बहुत बढ़िया कटत है। आखिरकार भैया हो बाबू समय बीतत देर न लगी। इधर देखें छोटा भाई सर्विस पर जब था, जब सर्विस पर रहता था, पूरे परिवार के लोग, छोटे भाई के लोग, छोटे परिवार के लोग उसके पूरे सेवा में लगे रहते। जब भैया हो या नहरा नहा तो आखिरकार देखा कपड़ा धोवल, कपार में तेल डालल, हाथ गोड़ मिजल, पूरा परिवार ओकरे सहयोग में, ओकरे सम्मान में लगल है, ओकरे सेवा में लगल है। यही बीच में छोटका छुट्टी लेके आ गया। अब गहुआ के लोग कहल कि भैया ई का सुनत है जा, अगर ए तरह से प्रवृत्ति रही तो तोके खानदान से बहरे कर दे, तोरे पर डांट भात लगी। इस बात को सुन करके छोटा बड़ा दुखित हुआ, बोला भैया का सुनत है। बड़ा भाई बोला कि मुन्ना का सुनत हुआ, का सुनत हुआ, आखिरकार ए लोगन का बात मानत हुआ। ना रे पगला, तोके अपन बेटा समझिला, तोरे औरतिया के अपन आखिरकार बिटिया समझिला, ये तरह का बात का समझत हुए। लेकिन नहीं माने गांव के लोग, हो भैया चढ़ाई कर दिए, चढ़ावत बढ़ावत में छोटका के। आखिरकार छोटा भाई यही कहता है कि भैया शादी कर ला, शादी कर लेबा तो एक में रहबा, नहीं तो न रहबा। भैया आखिरकार हमसे ब्याह के करी, बड़का भैया छोटका से कलस कि भैया हमसे ब्याह के करी, ये हमार जिम्मेवारी है न, हम तोहर ब्याह करब। गांव पुर के लोग मिल के संजोग बनल की आखिरकार डिठार मेहरारू से ब्याह करा देने, बढ़िया मेहरारू मिल गई, अब परिवार में खुशी का लहर दौड़ गई। आखिरकार भैया हो बाबू नतीजा का निकलल, कुछ समय बहुत बढ़िया बीतल और अनहरा के पास दूठ बेटा, दोनों बच्चन के पाके, परिवार के पाके, भाई के पाके, भाई के औरत के पाके, भाई के बच्चन के पाके, एकदम परिवार में खुश है अंदा भाई। क्या बात है मालिक, हमारे दिन लौटा देना। लेकिन एक दिन की बात है, अनहरा का औरतिया कलश की सुनत हुआ, हमारे माई का तबीयत खराब है, तनी जाई मुलाकात कर ले, भेंट कर ले। माई से मुलाकात करे बदे अनहरा का औरतिया गई तो जरूर, और रास्ता क्रॉस करे में अचानक ओके ट्रक वाला धक्का मार दे। अब ही आंख खुलल बा, दर्द से परेशान बा, लौलुहान बा, लेकिन खाली याद करत है अपने आदमी के। आनंद फानन में पूरा परिवार वहां पहुंचता है जहां अंधे की औरत घायल हो गई है। उठा पुठा के हॉस्पिटल में लोग एडमिट कैले, अंधे से बोल पड़ी अंधे की औरत की सुनत हुआ, लगत था कि अब साथ तोहार हमार छूट जाए। नहीं नहीं रे पगली, ये क्या बोलती है, हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा, हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा। अरे पगली, जब हमन बियाहवा में सात फेरा कैली जा तो इहे रहल ना कि सात जन्म निभावल जाई, ये तो लगत कि एक जन्म में साथ छोड़ देबी। ठीक है स्वामी, जवन कहली बढ़िया कैली, लेकिन हम तोहरे संगे हैं, लेकिन हमारे गैला के बाद हमारे बच्चन के प्यार में कोनो कमी मत करी। इहे कहत हिया बड़की तौले मौरा लटक गल, आ जब मौरा लटक गल हो भैया तब भयल का तर्ज लगल यहाँ। उहे तर्जबा जवने हमरे उस्ताद गौले, सासुर से रूसल बाती रियावा न हो, हा हा, सासुर से रूसल बाती रियावा न हो, धैली नैहर करा, बाबू आखिरकार यह किस्मत का खेल कहल जाला।
मारी गईली अंधा की गुजारिया न हो, हा हा मारी गईली अंधा की गुजारिया न हो, देखे दुई गो दुल्हा लड़की के लोग दाह संस्कार कह के अला बही दुइयो चार दिन ना बीतल तौले छोटका भयवा बड़का से कलस की भैया अब तोहरे बच्चन के खियाई बनाई तू अलग हो जा अलग ना हो बा तो पुरन का धंधा चालू कर दा। कैसन भैया धंधा? अरे उहे भिखिया मांगे वाला। जब इस बात को बड़ा भाई सुना तो ठीक है भैया हमके अलग मत करी है रे मुन्ना, हमके अलग मत करी है, हमके जुठने दे देबे हम खाए के संतोष के लिए, हमर बच्चा खा के संतोष करी है, लेकिन सोन हमन के अलगा मत करी है, ठीक है अलगा ना कर, बढ़िया है अलगा ना कर, लेकिन हमार बात सुना, भीख मांगे वाला धंधा चालू कर दा, भीख मांगना फिर बड़ा भाई साधो चालू कर देता। अब लोग कहल कि कैसन का होगल भैया, कुछ हो ना भैया, ये हमार मर्जी करत रहल है, हमार मन है कि हम ऐसा काम करें। भीख मांगत है, एक दिन का बात है, घरे आयल अंगनवा में बैठ के रोवत है कि जब आवत रहिए तो हमार औरतिया हंस के पानी थमावत रहिए, वो समय दिन याद आवत है अनहरा के। भैया हो तौले दोनों लड़कवा पास में गई कहल कि पापा मम्मी का याद आवत है, मम्मी का याद आवत है, अंगुरिया धाय के अपने तरफ खींचत हम दोनों मुन्ना, ना पापा ना, अरे पापा हमन के रहते आपके तकलीफ ना हुई कौनो, ये जान जा कि हमन के रहते कौनो तकलीफ ना हुई, आंसू पोछत हम अनहरा भाई आंसू पोछत है, दोनों बच्चा समझावत हुए, अंगुर धा के घुमावत हुए, एक बार खिलखिला करके बाप अपने बेटे के प्यार में हंस देता है, दोनों बच्चा बड़ा खुश भइले। दूसर का सुबह हो गल, तीसर का सुबह हो गया, धीरे धीरे कुछ दिन न बिताओ हो भैया, एक दिन का बात है, अनहरा भीख मांगे बदे गल है, आज वही भीख मांग के आयल वो दोनों बच्चा आस पास में रो पड़े आके, रोवे लगना बाबू जब भिखिया मांगे चल जला ना, तो हमन के चाची बड़ा सतावे, हमन के चाची बड़ा सतावे ले, का सतावे ले, करे ले का भैया हमार, कि हमन के देली चाची, अरे हमन के देली चाची, अरे नूनी औरी रोटिया दूध भात खात बाड़ी सुनाइल कर पिटिया, वारिया न हो, हा हा धारावा कपल के पाता वारिया न हो, खेवे अनहरा लचा बच्चा।
बगलिया बैठ के रोवत हो ये पापा जब तू चल जाला भिखिया मांगे ना तो ये चाची अपने लइकियन के बढ़िया खाना बनावे ले आ हमने के समानवा बढ़िया दाल भात रोटी सब्जी खीर खियावे ले और वही जब बगलिया में हमन के नमक रोटी दिले आखिरकार बाप करे तो करे क्या बाप करे तो करे क्या हो भैया दोनों बच्चन के समझावत ना मुन्ना अरे अब दुनिया में के है इन्हीं के मान के इन्हने लोग के मान के अपन जीवन यापन करके अच्छा था बड़ा भाई अपने काम में जुटा है ए बदे बिरहा शैली में भाव लगल भैया अमर अरे सागर भी कुछ गंभीर हो गया कि सागर भी कुछ गंभीर हो गया अवनी कांप गई अंबर से बहता नील अवनी कांप गई अंबर से बहता नीर सावन भी कुछ गंभीर हो गया भैया हो बाबू आखिरकार धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही कुछ दिन न बिता हो अचानक छुटकी कलश की सुनत हुआ हमार इच्छा है कि हम अपने आदमी से एक बार मिल लेते तबेत यह गवाही करत कि एक बार अपने आदमी से मिल लेते बड़का कहलस कि अरे पगली हमरे रहते कौनो तकलीफ सुन हमार बात सारी व्यवस्था बना दे हमके गाड़ी पकड़वा दे हम चल जी तोरे आदमी के बुला के लिया भैया बाबू संजोग से देखा एकर प्लान कैसा रहल बगलिया में एक सोखा रहल सोखा के पास गई एक दिन के बात है सोखा के पास गई बोली कि बाबा जना था कि हमार बेटवा ना हो सोखा कहता है कि बेटा तुम्हारा होगा जरूर होगा लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा सुन मेरी बात किसी भी तरह से एक बच्चे का खून कलेजा ला दे मैं अपनी देवी को चढ़ा दूं और मेरी देवी प्रसन्न हो जाएंगी तुम्हारा बेटा हो जाएगा यह बतिया करे दिमाग में फिट था सोचा थी कहां से लड़का ले आई केकर लड़का ले आई केकर खून दे केकर करे जा दे अजहिया अनहरा के भेजा थिया संजोग से वही दिनवा हो भैया प्रधान हम गाँव में बारात आवत थी बारात आवे वाली बा उसी दिन पता लिख करके स्टेशन पर लेकर जाती है सारी व्यवस्था बना करके गाड़ी पकड़वा देती है पकड़वाते समय एक बात कहती है अपने बड़े जेठ से कहती क्या है संकेत लगल कि कहवा से जीवन चलल कि कहवा से जीवन चलल कहा में लपटाई कैल हो रहा अरे पिया मतला बाबा के यार में आंसू ले करके छुटकी बड़का से कहलस कहलस का कि जेठ जी धड़क जाला छतिया कि जेठ जी धड़क जाला छतिया अरे पिया के बलाई दे बहोरा अरे जी कन्हैया सब हमार तबे पिया का राई दे उधर बड़े जेठ को गाड़ी पकड़वा करके घर पे आ जाती है इधर संजोग से प्रधान के घर बारात भी आ गई और अपने बच्चों से अपने बच्चियों से और अंधे के बच्चों से बोल पड़ी सुनो मेरी बात प्रधान के घर से हमन के बात न बने ले झगड़ा चलेला कोई मत जाई ओकरे दरवाजे इस बात को सुन करके बच्चे समझदार है अब कोई नहीं गया दरवाजे पर नहीं गए और एहर देखा पांचों बच्चियन के बढ़िया खाना खिया के बगल वाला रूम में सुता देलस और ये दोनों बच्चन के अनहरा के दोनों बच्चन के
खाना खिया के कहानी लोरी सुनावत है। धीरे धीरे जब रात अधियाइल हो भैया त आखिरकार उ पगली कैलस का कि चल भैला साधो अरे बंबई सहरिया रतन रमेश के अब बदलस रासरिया। इधर देखें जब रात अधियाती है दोनों बच्चों के हाथ पैर को बांध देती है। जब हाथ पैर दर्द करे लगल तब तो लड़का कहला चाची ये का करत छौ। चाची ये कहते के रे पगला तोहन की कबो हम झूला ना ना झूलौली। धरनिया में बांध के लटकौले है दोनों बच्चा दर्द के मारे रोवत छौ हम ना झूलवा झूलावत हैं। अच्छा तो चाची हथवा खोल दा गोड़वा खोल दा दुखात है मुन्ना दुखात है गोड़वा खोल दे हथवा खोल दे। अरे ना 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 मुन्ना आखिरकार तोहन के हम झूलवा झूलावत हैं। कलस की हाँ ठीक है हथवा खोल दे गोड़वा खोल दे नाटक करत बा खोले कर लेकिन जब नहीं खुला हो भैया रस्सी तो घरवा में गई। पहले ही से प्लान कैले बन एगो धारदार हथियार गणास लेके आई। कलस की मुन्ना पहले बतावा केकर रसरिया काटी पहले केकर रसरिया काटी। बड़का समझ गल लगत था चाची अब निर्दयी हो गई। भैया हो बाबू आखिरकार बड़ा रो रो कर एक बात कहता है अपने चाची से विदेशिया में भाव लग गई। कि आगल लगो आगल लागो आगल लगो आगल लागो मोर की समतिया में अरे नहक भइल हमनी का जन्मवा हो माता जी। माई माई कहे कि वो चाची के दोनों बच्चा रोवत छ नहीं यही पर भैया हो बाबू छोटका तौले बोर पड़ल की चाची अरे का करे जाती हूँ जब वही गड़ास तल्ले बात तौले छोटका रो पड़ल चिघार पलस की चाची ये का करत हो कि अब जन चलई हा हमरे अरे भैया पर कटरिया हो हर रह दायक भाई अब रतनवा हो माता जी। भैया हो बाबू छोटा रोवत है कलस की हमार भले गर्दन काट डाल लेकिन भैया का गर्दन मत कटिया। लेकिन वो कमीनी हत्यारिन नहीं मानती है अपने बच्चे के लोभ में अपने बच्चे के चाह में दोनों बच्चों को सता रही है। छोटा रो रो कर कहता है कि अरे चाची हमन के मत मारा हमन के मत काटा तवले पापिन हो भैया गणास चला देती है। बड़े के गर्दन पे जब गणास लगती है गर्दन कट करके नीचे गिर पड़ी है। तौले छोटा भाई रो करके बोला कि चाची ये का कैलू ये का कैलू ये का कैलू। तौले एक ठे बात ओकरे मुंह से निकल पड़ा कि अधिया तूफानवा में सट के पेवादावा में अरे अपन पियावलू आसा तदवा हो माता जी। त कैसे वही लाल के त कैसे वही लाल ऊपर अरे मारलू कटरिया हो अरे झर झर बहला नयनवा हो माता जी। छोटका कहत कि चाची तो के हमेशा माई समझ ली जा कौन प्रकार का कमी ना भल के उसे सिखवा शिकायत ना कर ली जा। आज कौन बरियार गलती हो गई कि हमन के तुम मारत हो इतने में तवले भड़का भयवा का गर्दनिया काट देलस गर्दन कट करके नीचे गिर पड़ी। आ तवले मुन्ना अरे तुमको बहुत दुख है ना तुमको बहुत तकलीफ है ना तो तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तौले छोटका के भी गर्दन के काट देलस। भैया बाबू गर्दन तो काट देती है ले जाती है कलेजा खून उस सोखा के पास। सोखा के पास गई जब सोखा देखलस घबरा गल अरे एक अकेलू। अच्छा था एक काम करा सोखा बाबा लाए अपने देवी के चढ़ा दा देवी तोहर प्रसन्न हो जाई हाँ तब बन हमर बेटा हुई। अच्छा ते को काम कर रख जल्दी भाग यहाँ से। वहां से भाग करके घर पे आती है बगलिया में नदी है नदिया में ले जाके दोनों बचन के
भैया हो बाबू कम पानी है कीचड़ है, कीचड़वा में डाल के तोप के केसों कूस कातर रख के भागल घरवा आई। यार सवेरा होखे वाला बा, यार सवेरा होखे वाला बा, भैया बाबू आ तवले आखिरकार धीरे धीरे भिनसार होखे वाला बा। तवले ई छोटकी अब रोवे लगल, काहे बदो रोवे लगल, अब सोचत है कि कैसे बचब, कैसे रोवत है तर्ज लगल। यहाँ बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनैया पियावा बनला मोर, बाबू पियावा बनला मोर, बाबू दरोगा तवले दो चार मिली पजरवा आ गईली बहनी काहे रोत हो, पेट दुखात है कपार दुखात है कि ना रे बहनी ना कपार दुखात ना है पेट दुखात ना है कि अरे मोरे बहनी हो, रोवत है कहत है कि अरे मोरे बहनी हो, अरे तू तो बाबुआ गईला मोर हेराय, अरे मोरे बहनी हो, कहाँ हेरा गई ले गौवा का जितना लोग दुअरवा जुटल हो सब धीरे धीरे भिनसार हो गल, सबेर होखे वाला बा सब ही पूछत छोटकी रोवत है कि अच्छा ता जानत हो प्रधान के घर में रतिया में आइल रहल परियतिया, अरे वही परतिया में दोनों बबुआ, अरे देखे गईला की नचिया की हमारो बहनी हो, कि हमारो बहनी हो, दोनों बबुआ मिलत नहीं बाल, अरे मोरे बहनी हो मिलत नहीं, धीरे धीरे दिन चढ़ गल दोनों बच्चन का कहीं अता न पता। यार प्रधान के घर में जौन बारात आईल हो भैया गईल है नदी के किनारे तमाम लोग पहुंचल हो, कुछ बुढ़वन का गोल, कुछ जवनकन का गोल, कुछ लैकन का गोल, जवनका अलग हो बुढ़वा अलग हो छोटका लैका अलग हो। अच्छा तो छोटका लैकवा भाई तनिका पानी है ना नदी में, कहीं पानी है कहीं ना है, अब खिलत हम कूदत हम भागत हम, संजोग से एक ठे लैका के दो ठे लैका मारे बदे खेदलना, आज संजोग से वही की चढ़वे में तो भागल, की चढ़वा में जाके फंस गल गिर गल, उठल निकलल जब तो करे गोड़वा में खून लगल, लैका अब चिल्ला पड़े रे फलाने लगत है तो के कुछ काट देना, कहीं से डंडा पवलन ले जाके भैया हो बाबू की चढ़वा हटावे लगल, आ जब किचड़ा हटावत हुए तो देखत का हुआ बाबू जोर से लैका चिल्लैला ये चचा ये बाबा ये भैया हई लाश देखा, वहां जितना बराती लोग रहना सब भीड़ इकट्ठा कर ले, उठा पुठा के भैया हो बाबू नदी से बाहर लोग कैल, संजोग से प्रधान का समधी प्रधान की केहू तरह खबर भेजवा के बोलूल, प्रधान उठा पुठा करके अपने दरवाजे पर ले गए, के पानी पिए जात, के पानी पिए जात, के विदाई करे जात, अब शोक परल है पूरा गौवा में। अच्छा तो प्रधान कल की जनाथ के फलनिया रोवत रलिया ओके बोलावा, जब पास में गई है छोटकी तो पूछल गल की देख तो तोरे लैकवा नाना हम पहचान गई, कोई आदमी प्रशासन को खबर कर दिया, प्रशासन आई भैया बाबू, प्रशासन जब आई तो पूछताछ इतना बढ़िया से की कि सारी वक्यास सामने आ गई, और जब सारी वक्यास सामने आ गई तो पकड़ करके छोटकी को ले जा करके जेल में डाल दिया। यहाँ का बात यहाँ छोड़ा, प्रशासन छोटकी को जेल में डाल देती है, ये हर अंधा भाई मुंबई स्टेशन पे पहुंचने वाला, कुछ देर के बाद स्टेशन पे तो उतरा,
जब उतरा है संजोग से, भैया बाबू बगलिया में स्टेशनवा के बगलिया में होटल है, होटल के पास गया पूछते जांचते, अचानक होटल के पास जाकर के बोला पानी पिला दो भैया। होटल का नौकर बहुत तेज से धक्का दिया, साला तेरी इतनी बड़ी औकात, अपना हुलिया नहीं देख रहा है, तुम कैसा आदमी है, सारे मेरे कस्टमर को नाराज कर दोगे, भगा दोगे, भगो यहां से। धक्का देता है नौकर, अंधा गिर जाता है। अंधा के गिरते ही अंधा के पॉकेट से फोटो गिर जाता है। फोटो को एक तरफ नौकर देख रहा है, एक तरफ उस शख्स को देख रहा है कि मेरे होटल में बैठ करके खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, यह मिलावट है। अतौले अनारा खड़ा हो गल, खड़ा हो गल, दूर जा रहा था, रोवत था कलश की, भैया अरे ये तू कहां कैला। आखिरकार अनारा वो नौकरवा के डांटत है, कैसे डांटत है, आला में भाव लगल भैया हमारे। यही देश हवा में जन्म में और अभीम और लोहिया भैया, यही देश हवा में जन्म में बाबर पिता, यही देश हवा में जन्म में मानवर कांसी राम साहब, एक कबीर संत जन्म भी दुआ, भैया हो लेकिन हाई देखे अंधा रो रहा है कह रहा है, यही जा समानवा जोई रहत मर पिरनवा भैया, ईट का जवाब दे पा फरवे से हम यहा, होटल का लो करवा सुना पूछला कर रनवा भैया, रोई रोई बाती आपा ताव दे बा, बाबू अंधा रो रहा है कह रहा है कि अगर मेरा भाई होता तो तुमको समझ में आ जाता, तुम्हारे समझ में आ जाता कि तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन वो नौकर मिला रहा है कि फोटो से उस आदमी की शक्ल मिल रही है जो मेरे होटल में खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, यह मिलावट। तबले वो आदमी उठा वहां से गाड़ी में बैठा और रवानगी भर दिया, उठा और रवानगी भर दिया, वहां से चल दिया। तब तक इस नौकर को याद आया, बोला आखिरकार ये तुम्हारे पास जो फोटो मिला है किसका फोटो है। उस पर अंधा बोला कि यही मेरा भाई है। अरे आप संतोष के भाई हैं, आप संतोष के भाई हैं ना, तो मेरी बात सुनिए, ये होटल जब बन रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपका भाई जो है हम लोगों का सहयोग किए, इसलिए आप भी भगवान है और वो भी भगवान है। तुरंत कपड़ा मंगवाया बढ़िया, और नहलवा करके धुलवा करके कपड़ा पहनवा करके बढ़िया खाना दे करके भोजन करा करके बोला कि सुनिए मेरी बात, आप भी साहब वो भी साहब तो आप भी साहब। तुरंत बोला नौकर से गाड़ी में बिठाओ और ले जा करके इन साहब को उन साहब से मिलाओ। तक गाड़ी में सवार भइल कि नौकर संग सवार भइल अंधा तब पिरनवा बाबू, गाड़िया रुकाला खुलल दोनों बार फटकवा बाबू, दोनों बार से उतारे हैं दोनों श्रीमा,
गाड़ी रुकी है, नौकर ले जा करके संतोष साहब के आवास के सामने गाड़ी रोक दिया, फाटक खुला दोनों तरफ से, एक तरफ से नौकर एक तरफ से अंधा भाई। उधर बहुत बड़ा गेट लगा है, घर है, गेट खुला, संतोष दौड़ते हुए अपने भाई अंधे के पास आया, भैया भैया काहे बदे इला भैया, हट जाओ, तुम्हारे जैसे भाई की मुझे जरूरत नहीं। वहीं तू होटल पे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, यही नौकर मुझे धक्का दे रहा है, लेकिन एक बार तू ऐसा भाई है कि तू मना नहीं कर रहा है कि ये मेरा भाई है, तुम्हारे जैसे भाई पर लानत है। वो समय भूल गया, वो वक्त भूल गया, मैंने तुम्हें नमक रोटी, मैं नमक रोटी खाया, तुम्हें दूध पिलाया, अपने फटा पुराना कपड़ा पहना लेकिन तुझे बढ़िया कपड़ा पहनाया, क्या मेरा तू कर्जा उतारेगा? तू यही समझ के न मुंह मोड़ लिया कि बड़ा भाई आया है छोटे के पास कुछ मदद के लिए? नहीं रे पगला, तू कहा मदद करबे हमार, तू कहा मदद करबे? अरे माई बाबू का हमारी पर कर्जा है, जवन कर्जा हम उतारत है। सुन मुन्ना, सुन मुन्ना, आखिरकार भैया यह कहत मैं आ तबले छोटका भैया पूछ परल कि कवन ने कराना वाया इला हमारो पिराना। अरे कवन ने कराना वाया इला हमारो पिराना। अरे साफ साफ भेदावा तू देवा हो पत्ता। अरे साफ साफ भेदावा देवा हो तू पत्ता। अरे पगला जब कारण पूछत हो तो सुन, तोरे बदे धन संपत्ति बदे ने आईली, कौनो लालच ना हा, जानत हो काहे बदे आईली? अरे खरवा बीमार बाटी तोर दुलहिनी। अरे भेटिया करे का इच्छा जागल बाड़ी यहा। अरे भेटिया करे का इच्छा जागल बाड़ी यहा। सुन जितना आनन फानन में व्यवस्था बना ले, व्यवस्था बना ले, चल तोर आखिरकार पत्नी तो के याद करत है, चल तो के तोर पत्नी याद करत है, जितना जल्दी होके व्यवस्था बना ले। छोटा भाई बड़े भाई के साथ चल देता है कि भैया के लिए आके भैया चल लते इच्छाना। अरे भैया के लिए आके भैया चल लते इच्छाना। अरे धीरे धीरे पहुंचे हैं गौवा के मजा। अरे धीरे धीरे पहुंचे हैं गौवा के मजा। दोनों भाई पहुंच गए गांव में, सन्नाटा पड़ा है, सबके आंख से आंसू गिर रहे हैं, पूरा गांव शोक में है। छोटा भाई एक वृद्धा आदमी मिले, बोले दादा गोड़ लगत थे, सब ठीक ठाक हो ना? उ दादा छोटका भैया के बोलौलन, कल सुना तनी हमरे पजरे आवा। पास में छोटा भाई पहुंचता है, बोलता है दादा का बात है? धीरे धीरे बतियावत करे पगला जानत हुए, तोर और रतिया तोरे भैया के दोनों लईकवन के काट देलस, इतने ना आखिरकार वो जेल में हा। आई बतिया दोनों अपने में बतियावत हो तोले अन्हारा भैया हो सुन ले। जब सुन ले धीरे धीरे पास में गया, बोला दादा एक बार और बता दा दादा, एक बार और कह दा दादा, एक बार और दोहरा दा। का भल अन्हारा के लइकवा का भइल, के काट देलस, के मार देलस? दादा समझ गई ला कि अब तई सारी बतिया सुनी ले, ले। चाहे दो मिनट पहले जाने, चाहे 20 मिनट बाद जाने, जनब करी तला दादो के अब रह न गए, हिम्मत कई के बतावे लगने रे पगला जानत हुए है तोर छोटका भैया का औरतिया तोरे दोनों लईकवन के काट दे। हाय हो कह के अंधा भाई जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। छोटा भाई वो दादा मिल करके पानी का छिट्टा मारत हुए अंधा होश में आया। जब होश में आया दोनों भाई घरे पहुंचल,
रोवत है, अनहरा बस रोवत है, रोला के अलावा कुछ बोलते ना है। छोटका भैया कलश की भैया हो सके तब माफ कैदा, भैया हो सके तब माफ कैदा, रे भैया तो के सदैव माफ कैली, आज कैसे ना माफ कर। सुन हमार बात, हिम्मत कह के अंधा भाई कलश की चल ओकर जमानत पर के लिए आवल जा। दोनों भाई गईले जमानत पर के लेके अइले। आ जब छुटकी घरे आईल, अनहरा हाथ जोड़ के कलश की बहनी तो के हमेशा अपन बेटा समझली, बिटिया समझली, पतोह समझली, कोनो परवरिश में कमी न कैली रे। पूछ ई छोटका समन्वय है ना, कोनो प्रकार का कमी ना तोहन के देली। हमेशा ई हमार सोच रहल की बढ़िया खाना खिला दे, बढ़िया पानी पिला दे, बढ़िया व्यवस्था में तोहन के रख दे। भले हम दुख में रही लेकिन तोहन हमेशा सुख में रहा। कौन बरियार बहुत बरियार दोस्त होगल हमसे, कौन बरियार पाप कैले रहली। अनहरा हिम्मत जुटा करके छोटकी से हाथ जोड़ के हर 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 रोवत कहत का कलश खड़ी लाइन में भाव लगल। अनहरा कहत अरे जिंदगी जहरवा पनवलू पाइनी, अरे जिंदगी जहरवा पनवलू पाइनी, तो हमारे बगिया में यज्ञा लगवलू पाइनी। जमानत अनहरा लाया तही छनवा की खेती गिरस्ती ले ल सागर भवानवा। अरे अनहरा के दियत अरे मुआ वालू बहिनी, तो हमारे जिंदगी में लगी लगवलू बहिनी। अंधा भाई रो रहा है, अरे जैसे हमरे दोनों बलकवन के मुआ देला सो, जैसे हमरे दोनों बच्चन के मुआ देला सो, वैसे हमहू के कहीं से, हमहू के कहीं से जहर लिया दा सो। आखिरकार खा ले, अब हम रह के का कर, के करे बता जी हम तोहन के पाके, अपने बच्चन के पाके अपन जिंदगी बितावत रही। लेकिन भैया हो बाबू छोटका छोटकी अब रोत हो कि रोते ना हो। भैया हमने की माफ कह दा। शाम हो गल धीरे धीरे, भैया बाजार करे गईले। भैया हो खाना का समय भल, छोटका छोटकी खाना लिया के देले। भैया खदमा खैले आ सवेर हो गल, सुतले यक्का लगले सवेर हो गल। छोटका जगावे गई, छोटकी जगावे गई। आखिरकार भैया चाय पीला, मुंह धोला, पानी पीला, ब्रश कला, लेकिन नतीजा का भैया रहा तब ने दुनिया में। भैया हो बाबू बच्चन का सदमा बर्दाश्त ना भल, भैया खानवा खाते समय कैला का कि खाई के जहर, कि खाई के जहर अनहरा त्याग दिया प्राण हो। अरे सदमा लगल तब गवाही दहला जान हो। अरे सुखवा चयनवा चोरवालू बहिनी, तो हमारा भगिया में यज्ञा लगवलू बहिनी। भैया बाबू और मरते वक्त अंधा भाई यही लिख दिया कि जो मैं किया अपने राय से किया। इस परिवार का कोई दोष नहीं। भैया हो बाबू बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यार उसका जाके घर देखो। जैसन करबा कर्म कमाई सब तोरे आगे आई। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन, कथन करे केशव कवि लागे गे सुहावन। अरे सावन भी कुछ गंभीर हो गया, अरे पचवा संजय सोमन